गाइज आप सब लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग के अंदर आया हूँ मैं कर्नाटक और आंध्रा बॉर्डर पर, और मैं जिस गाँव के अंदर रुका हूँ वो गाँव कर्नाटक का है, और यहाँ आंध्रा बॉर्डर करीबन 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से आंध्रा की बॉर्डर। गाइज मैं जिस गांव के अंदर आया हूँ उस गांव का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, कैसा व्यू है और कैसा गांव है ये। गाइज ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है, और इसका व्यू देखिए कितना मस्त आ रहा है। इसके चारों तरफ से पहाड़ है, गाइज इस गांव की एक विशेषता है, साउथ का सबसे बड़ा शनि महाराज का मंदिर है यहाँ पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और दूसरा यहाँ टिप्पू सुल्तान का किला है, वो किला आपको दिखाता हूँ कौन से पहाड़ पे है। जो आप पहाड़ देख रहे हैं उस पहाड़ पे टिप्पू सुल्तान का किला है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाऊंगा मैं वहाँ पे। जो आप वाइट कलर के अंदर दिख रहे हैं वो टिप्पू सुल्तान का किला है वहाँ पर। गाइज अभी मैं इस गाँव के अंदर एक पार्क बना, उस पार्क के अंदर हूँ, उस पार्क का व्यू आपको दिखाऊँगा मैं अभी। गाइज मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, आपको पहाड़ से नीचे का नज़ारा दिखा रहा हूँ कैसा है। ये पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्क है, और ये सुबह 9 बजे ओपन होता है और शाम को 7 बजे तक ओपन रहता है। गाइज इस गांव के बाहर भी देखिए पहाड़ भी, चारों तरफ से पहाड़ है, आपको दिखाता हूँ मैं। फिर गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक टारगेट बना के चलाऊँ पूरा साउथ में घूमने का, तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अभी गाइज हम पहाड़ से नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने के लिए भी यहाँ देखिए सीढ़ियाँ रास्ता बना के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और इस पहाड़ का ऊपर का नज़ारा ये है। अभी तो हमें बहुत और नीचे भी जाना है, रास्ता तो बना के रखा हुआ है लेकिन रास्ते पर मार्क भी किया हुआ है, देखिए वाइट कलर के अंदर ये देखिए मार्क किया हुआ है यहाँ पे, जितने भी पत्थर है उसके हिसाब से बताया गया ये रास्ता नीचे जाने के लिए है। गाइज बहुत मेहनत करके इस पार्क को बनाया गया है, पहाड़ को कट करके इस पार्क को बनाया गया। ये गाइज इस पहाड़ के पीछे का नज़ारा है, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए चारों तरफ से पहाड़ है, पूरी हरियाली है यहाँ। गाइज अभी नीचे जा रहे थे, आपको दिखाता हूँ देखिए किस प्रकार से सीढ़ियों को काटा है, पत्थरों से सीढ़ियों काट के बनाया हुआ लास्ट तक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते, देखिए ये पहाड़ है और इस साइड भी नीचे में पहाड़ है, दोनों को काट के बीच से रास्ता बनाया गया है। गाइज जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ के पीछे की साइड से बनाया गया है, ये पहाड़ के पीछे की साइड ये पार्क है, ये पार्क कम से कम 4 किलोमीटर के अंदर है देखिए, और ये पार्क का लास्ट पॉइंट है अब देखिए। बहुत सुंदर पार्क बनाया गया, ये पहाड़ का पूरा ऊपर का हिस्सा है, आपको मैं इसके अंदर से जाके दिखाता हूँ किस तरह से बना के रखा हुआ है इसको, ये देखिए इस साइड भी बैठने का, चारों तरफ से बैठने का बना के रखा हुआ है। गाइज ये बच्चों के लिए यहाँ पार्क बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और एक ये बच्चों को खेलने के लिए यहाँ भी बना के रखा हुआ है। गाइज ये पार्क का मेन गेट है, क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो ऊपर से किया था पहाड़ के, और इसके सामने भी पहाड़ है, और वो गाइज आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखा देता हूँ नीचे से कैसे दिख रहा है वीडियो। गाइज इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर,
जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना और कॉमेंट करके बता देना।